हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सब प्रोडक्शन हाउस के मंच पर। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि भैया इस वीडियो के थ्रू हम बनाने वाले हैं एक फैंटेसी क्रिकेट की बहुत ही ज़बरदस्त टीम, जिसके साथ अगर आप खेलते हैं तो आपके जीतने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। क्योंकि भैया फैंटेसी क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन 90% लोग हारते हैं। क्यों हारते हैं भैया? उनको पता नहीं तो कि आज के मैच में कौन सा बल्लेबाज, कौन सा गेंदबाज कमाल और धमाल मचाने वाला है, इस पिच पर क्या है उन बल्लेबाजों का, उन गेंदबाजों का रिकॉर्ड, यहाँ के मैदान पर कौन उड़ाता है धुआं। तो भैया यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। जो लोग फैंटेसी क्रिकेट हारते हैं, स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो है। और वीडियो के लास्ट में बनाकर देने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम, जिसके साथ आप खेलते हैं तो आपके जीतने के चांस भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं। और साथ ही साथ भैया हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अलग से 2-3 टीमें और भी मिलेंगी, जो हम बहुत ही एनालाइज करने के बाद बनाते हैं। तो भैया मज़ा ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो भैया आपको पता होगा जो आज का मैच है वो खेला जाने वाला है पंजाब और राजस्थान के बीच में, मैच नंबर है 66। इस मैच को आप फ्राइडे 7:30 बजे से लाइव देख सकते हो। और ये जो मैच है भैया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाने वाला, यानी कि भैया धर्मशाला के मैदान पर यह मैच खेला जाएगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला, यहाँ की जो बाउंड्री वगैरह होती है काफ़ी छोटी होती है, चौके छक्के काफ़ी अच्छे पड़ते हैं। तो भैया सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों टीमों की क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11। तो भैया मेरे हिसाब से तो पंजाब की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है ये हो सकती है, इसमें कोई फेर बदल होगा तो हम अपने टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर देंगे मैच शुरू होने से 15-20 मिनट पहले। और राजस्थान की जो टीम हो सकती है वो ये हो सकती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि भैया पंजाब में से कौन सा खिलाड़ी कमाल और धमाल मचाने वाला है, यही तो भैया हम जानना चाहते हैं अपनी फैंटेसी क्रिकेट के लिए। तो पहले पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे शिखर धवन। शिखर धवन का अगर लास्ट के 10 मैचों का रिकॉर्ड देखें तो भैया 417 रन इन्होंने लास्ट के 10 मैचों में बनाए हैं, और राजस्थान के खिलाफ इन्होंने मारे हैं 651 रन। भैया प्लेयर तो बहुत ही कमाल और धमाल का है, लेकिन पिछले मैच में उन्हें कमाल करके नहीं दिखा पाए थे। इस मैदान पर ये खिलाड़ी 3 मैच खेला है, 98 रन इन्होंने बनाए हैं। थोड़ा सा हमको स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं आर अश्विन, चहल और संदीप शर्मा के सामने, लेकिन भैया खिलाड़ी बहुत ही अच्छा है, सभी को पता है गब्बर जब दहाड़ता है तो इसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती है। इसीलिए भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन इस खिलाड़ी को बनाएंगे। अगला जो खिलाड़ी आपको पंजाब की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा वो है परब सिमरन सिंह, लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 273 रन, और भैया राजस्थान के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं 66 रन, और राजस्थान के खिलाफ इस खिलाड़ी ने बनाए हैं भैया 60 रन, और यहां के मैदान पर ये खिलाड़ी 22 रन बना चुका है। परब सिमरन सिंह थोड़ा सा हमको फंसते हुए नजर आते हैं संदीप शर्मा और होल्डर के सामने, लेकिन भैया खिलाड़ी बहुत ही अच्छा है, तो इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में आपको रखना है। अथर्वा टाइट की अगर बात करें भैया 10 मैचों में इन्होंने 232 रन बनाए हैं। राजस्थान के खिलाफ अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है, यहां के मैदान पर ये खिलाड़ी एक मैच खेला है और 55 रन इन्होंने बनाए थे। और भैया केएम आसिफ के सामने थोड़ा सा फंसते हुए हमको नजर आते हैं, पिछला मैच आपको इनको देखो इसी मैदान पर खेले थे, वही मैच एक मैच खेला था, 55 रन बनाए थे, मतलब ये आउट नहीं हुए थे, इन्होंने कहा भैया अब मैं नहीं खेल पाऊंगा, मैं थोड़ा थका थका फील कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या रीज़न था, रीज़न सही से पता नहीं है, ये खुद ही चले गए थे मैदान छोड़कर। लेकिन जो बल्लेबाजी ये कर रहे थे ना, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, तो हो सकता है भैया आज के मैच में भी अच्छा कमाल करके दिखाएं। तो भाई लोगों इस खिलाड़ी को भी अपनी टीम में हम रख सकते हैं। लाइव डिविजन की अगर बात करें भैया 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 275 रन, और साथ ही साथ भैया 2 विकेट अपने नाम पर किए हैं, और राजस्थान के खिलाफ भैया इन्होंने 22 रन बना रखे हैं, विकेट हालांकि कोई भी नहीं मिला है। यहां के मैदान पर जो पिछला मैच है इनका, एक ही मैच इस मैदान पर खेले हैं और 94 रन इन्होंने बनाए। भैया जो जबरदस्त बल्लेबाजी इन्होंने करी थी, हो सकता है भैया आज के मैच में भी कमाल करें, क्योंकि भैया पिच भी वही सेम है, सब कुछ सेम है, तो फॉर्म तो भैया इनकी खास है ही, तो इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी इस खिलाड़ी को हम बना सकते हैं। अगला जो खिलाड़ी है पंजाब की तरफ से आपको खेलता हुआ नजर आएगा वो है जितेश शर्मा, लास्ट के 10 मैचों को अगर देखो तो भैया 213 रन इन्होंने बनाए हैं, और राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 65 रन बनाए हैं। इस मैदान पर यह खिलाड़ी एक मैच खेला है, 0 पर आउट हुए हैं। अश्विन के सामने, चहल के सामने थोड़ा सा हमको फंसते हुए नजर आते हैं, ये काफी टाइम से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब जो इनकी परफॉर्मेंस है वो
डगमगा रही है। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी से बच के रह सकते हो। सैम करन की अगर बात करें भैया 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 154 रन और साथ ही साथ भैया 8 विकेट अपने नाम पर किए हैं। राजस्थान के खिलाफ भैया इन्होंने 37 रन बनाए हैं और 11 विकेट अपने नाम पर किए हैं। यहाँ के मैदान पर ये खिलाड़ी एक मैच खेला है, 11 रन बनाए हैं, 2 विकेट अपने नाम पर किए हैं। बोल्ट और जंपा के सामने थोड़े से फंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन खिलाड़ी बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल का है। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो। सिकंदर रजा की बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 196 रन और साथ ही साथ भैया 3 विकेट अपने नाम पर किए हैं। राजस्थान की तरफ से भैया इन्होंने 1 रन बनाया है, विकेट इनको हालांकि कोई भी नहीं मिला था। इस मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। ये खिलाड़ी थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आता है अश्विन के सामने, बोल्ट के सामने। तो भैया हो सकता है आज के मैच में ये खिलाड़ी खेले, अगर ये खिलाड़ी खेलता तो इसको टीम में रखता हूं मैं। आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो, क्योंकि भैया ये अपने बल्ले से भी कमाल करके दिखाते हैं, अपनी गेंदबाजी से भी कमाल करके दिखाते हैं। तो ये खिलाड़ी खेलेगा तो अपनी टीम में रखना है, अगर नहीं खेलता तो इसकी जगह आपको कगिसो रबाडा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगला जो खिलाड़ी आपको पंजाब की तरफ से खेलता हुआ नजर आएगा वो है शाहरुख खान। 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं 109 रन और भैया राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 27 रन ही बनाए हैं और यहां के मैदान पर एक मैच ही खिलाड़ी खेला है और 6 ही रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने। थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आता है ये खिलाड़ी बोल्ट के सामने, चहल के सामने, और अभी जो इनकी परफॉर्मेंस है भैया वो भी कुछ खास नहीं है। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अवॉइड कर रहा हूं, आप भी इस खिलाड़ी को अवॉइड कर सकते हैं। हरप्रीत बरार की अगर बात करें भैया 10 मैचों में इन्होंने 56 रन बनाए हैं, साथ ही साथ 9 विकेट अपने नाम पर किए हैं। राजस्थान के खिलाफ भैया इन्होंने 27 रन बनाए हैं, 2 विकेट अपने नाम पर किए हैं। यहां के मैदान पर ये खिलाड़ी एक मैच खेला है, कोई भी रन नहीं बनाए हैं, कोई भी विकेट नहीं लिया है। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है, ये भी स्ट्रगल करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। पिछला मैच आपने देखा कुछ खास नहीं किया इन्होंने, तो भैया इसीलिए इस खिलाड़ी को मैं अवॉइड कर रहा हूं, आप भी अवॉइड ही करना। कगिसो रबाडा की अगर बात करें भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 12 विकेट लिए हैं, राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 10 विकेट लिए हैं। यहाँ के मैदान पर ये खिलाड़ी एक मैच खेला है, कोई भी विकेट इनको नहीं मिला था। कगिसो रबाडा अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन भैया अभी इनकी जो पिटाई हो रही ना वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, विकेट भी इनको बहुत ही कम मिल रहे हैं। मतलब किसी मैच में एक विकेट मिल गया तो मिल गया, ना विकेट नहीं मिल पा रहा है। तो भैया ये भी आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आ रहे हैं एक तरह से, तो भैया इस खिलाड़ी को भी मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। राहुल चहर की अगर बात करें तो भैया 10 मैचों में इनको मिले हैं 6 विकेट और राजस्थान के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट लिए हैं। यहां के मैदान पर एक मैच खेले हैं, कोई भी विकेट इनको नहीं मिला था। ये भी खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म ही नजर आ रहा है, किसी मैच में अच्छा कर जाता है, किसी मैच में बहुत ही खराब करके जाते हैं। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूं। अगर आप 2 या 3 टीम बनाकर खेलते हैं तो एक टीम में इस खिलाड़ी को ले सकते हो, बनता है। अर्शदीप की अगर बात करें तो भैया 10 मैचों में इन्होंने 13 विकेट निकाले हैं, राजस्थान के खिलाफ 14 विकेट अपने नाम पर किए हैं। यहां के मैदान पर यह खिलाड़ी एक मैच खेला है, कोई भी विकेट इसके नाम पर नहीं हुआ था। ये खिलाड़ी भैया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, लेकिन अभी 4-5 मैचों से ना इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भैया खराब हो चुकी है। मतलब समझ नहीं आया क्या हुआ इनके साथ, जो पहले मैचों में स्टार्टिंग के मैचों में जो काफी किफायती साबित हो रहे थे अपनी टीमों के लिए, अब वो बहुत ही ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, विकेट भी नहीं ले पा रहे। तो भैया इसीलिए इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूं, आप भी अवॉइड कर सकते हो। बाकी 2-3 टीम अगर बनाते हैं तो एक टीम में इस खिलाड़ी को आप रख सकते हो। नाथन एल्स की अगर बात करें तो भैया 10 मैचों में 14 विकेट अपने नाम पर किए हैं, राजस्थान के खिलाफ भैया इन्होंने 5 विकेट निकाले हैं और यहाँ के मैदान पर ये खिलाड़ी एक मैच खेला, विकेट कोई भी इनको नहीं मिला था। लेकिन इन इस खिलाड़ी की जो करंट परफॉर्मेंस है वो इस टाइम काफ़ी अच्छी है, मतलब हर मैच में कम रन देते हैं और 1-2 विकेट भी निकाल लेते हैं। तो भैया इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना है, मैं तो रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी तक पंजाब के धुरंधरों के बारे में जाना कि कौन सा खिलाड़ी अच्छा कमाल कर सकता है, कौन सा नहीं करेगा। अब जानते हैं कि भैया राजस्थान की तरफ कौन से ऐसे सूरमा हैं जिनका जलवा आज के मैच में हमको दिखाई देगा। तो राजस्थान की तरफ से पहला जो खिलाड़ी है वो है जॉस बटलर। 10 मैचों में इन्होंने बनाए हैं भैया 240 रन, पंजाब के खिलाफ इन्होंने मारे हैं 364 रन। यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले। ये खिलाड़ी थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आता है रबाडा के सामने, राहुल चहर के सामने और सैम करन के सामने, लेकिन भैया खिलाड़ी
एक नंबर का है। अभी कुछ टाइम से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ का जो बाउंड्री है बहुत छोटा है। ये तो ऐसे चौके छक्के मारेंगे ना अगर थोड़ी देर इस मैदान पर टिक गए तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में ले सकते हो और कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी हम इस खिलाड़ी को बना सकते हैं। अगला जो खिलाड़ी है वो है भैया यशस्वी जायसवाल, कमाल का खिलाड़ी है यार, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की चल रही है। लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 415 रन बनाए हैं और पंजाब के खिलाफ 128 रन इस खिलाड़ी ने बना है। यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। ये खिलाड़ी थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आता है अर्शदीप के सामने और हरप्रीत बरार के सामने, लेकिन भैया खिलाड़ी लाजवाब है, कमाल का है, धमाल मचाता है। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, आप भी अब इस खिलाड़ी को अपनी टीम में ले सकते हो, कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी इस खिलाड़ी को हम बना सकते हैं। संजू सैमसन की अगर बात करूँ भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 263 रन बनाए हैं और पंजाब के खिलाफ इन्होंने मारे हैं 554 रन। यहाँ के मैदान पर संजू सैमसन ने 2 मैच खेले हैं, 57 रन बनाए हैं। अर्शदीप के सामने और हरप्रीत बरार के सामने थोड़ा सा फंसते हुए हमको नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये खिलाड़ी बहुत ही अच्छा है, जब इसका बल्ला चलता है तो कमाल ये भी खिलाड़ी मचाता है। तो इस खिलाड़ी को भी मैं अपनी टीम में मैं रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो। जो रूट की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 287 रन बनाए हैं, साथ ही साथ 2 विकेट अपने नाम पर किए थे। पंजाब के खिलाफ भैया अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है, यहाँ के मैदान पर भी कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमको नजर आते हैं, यानी कि फंसते हुए हमको दिखाई देते हैं सैम करन के सामने, लेकिन खिलाड़ी भैया अच्छा है, लेकिन मैं अभी अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। अगर आप 2-3 टीम बनाकर खेलते हो तो एक टीम में इस खिलाड़ी को रख सकते हो। देवदत्त पदिकल की अगर बात करें भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 210 रन बनाए हैं और भैया पंजाब के खिलाफ इन्होंने 78 रन बनाए, यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। ये खिलाड़ी थोड़ा सा हमको फंसता हुआ नजर आता है अर्शदीप के सामने, नाथन एल्स के सामने और राहुल चहर के सामने, लेकिन भैया खिलाड़ी ठीक ठाक ही है। अगर 2-3 टीम आप बनाकर खेल रहे तो एक टीम में इस खिलाड़ी को ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ध्रुव जिरेल की अगर हम बात करें भैया लास्ट के 10 मैचों में 167 रन इन्होंने बनाए हैं और भैया पंजाब के खिलाफ इन्होंने बनाए हैं 32 रन, यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। और हरप्रीत बरार के सामने, राहुल चहर के सामने थोड़ा सा फंसते हुए हमको दिखाई देते हैं, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी जो अभी करंट परफॉर्मेंस है ना वो कुछ खास नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम से बहुत ही मतलब खराब खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। तो भैया इस खिलाड़ी को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, आप इस खिलाड़ी को अवॉइड करना फायदे में रहोगे। सिमरन हिटमायर की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 194 रन बनाए हैं और पंजाब के खिलाफ 124 रन इन्होंने बनाए, यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेला है। सैम करन के सामने, अर्शदीप के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमको नजर आते हैं, लेकिन खिलाड़ी अच्छा है, इस खिलाड़ी को अपनी टीम में हम ले सकते हैं, क्योंकि भैया अगर ये मैदान पर टिक गया तो बाउंड्री बहुत ही छोटी है इसके लिए, ये खिलाड़ी चौके छक्के क्या लगाएगा। तो भैया इस खिलाड़ी को अपनी टीम में मैं ले रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में ले सकते हो। आर अश्विन की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 67 रन बनाए हैं, 12 विकेट अपने नाम पर किए हैं और पंजाब के खिलाफ भैया 124 रन इन्होंने बनाए हैं, 18 विकेट अपने नाम पर किए हैं। बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है यार, जबरदस्त। इस मैदान पर ये 2 मैच खेले हैं, यहाँ पर रन इन्होंने एक भी नहीं बनाया था और 1 विकेट अपने नाम पर किया था। तो भैया इस खिलाड़ी को अपनी टीम में हम रख सकते हैं, इसका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ट्रेंट बोल्ट की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 14 विकेट अपने नाम पर किए हैं, यह और पंजाब के खिलाफ भैया 11 विकेट ले चुके हैं, यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस ये खिलाड़ी नहीं खेले। हो सकता है आज के मैच में खेले या फिर नहीं खेले, मतलब 50-50 चांस, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते। अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो मैं अपनी टीम में रखूंगा, आप भी अपनी टीम में ट्रेंट बोल्ट को रख सकते हो। अगर नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह आपको एडम जंपा खेलते हुए नजर आएंगे, लास्ट के 10 मैचों में 13 विकेट इनको मिले हैं और भैया पंजाब के खिलाफ 3 विकेट इन्होंने निकाल रखे, यहाँ के मैदान पर अभी तक कोई भी मैचेस नहीं खेले। इनकी जो करंट परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी सी डगमगाई हुई नजर आ रही है, पिटाई भी इनकी कभी भी बहुत ही ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए भैया अभी मैं इस खिलाड़ी को अपनी टीम में नहीं रखूंगा। यूजी चहल की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में इन्होंने 16 विकेट निकाले हैं और पंजाब के खिलाफ 28 विकेट इस खिलाड़ी ने ले रखे हैं, यहाँ के मैदान पर यूजी चहल 1 मैच खेले हैं और 1 विकेट अपने नाम पर किया है। यूजी चहल भैया बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, इस टाइम जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी है, मतलब काफी अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड भी काफी अच्छे, तो इस खिलाड़ी को अपनी टीम में मैं रख रहा हूँ, आप भी इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हो। संदीप शर्मा की अगर बात करें तो भैया 10 मैचों में इन्होंने 10 विकेट लिए हैं, पंजाब के खिलाफ इन्होंने 12 विकेट अपने नाम पर किए हैं, यहाँ के मैदान पर 2 मैच खेले हैं, 5 विकेट अपने
अपने नाम पर की है। ये खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख सकते हैं। अगर भैया दो तीन टीम बनाकर आप खेलते हो तो एक टीम में इस खिलाड़ी को ज़रूर रखना। KM आसिफ की अगर बात करें तो भैया लास्ट के 10 मैचों में 12 विकेट इन्होंने लिए हैं, और भैया पंजाब के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, 1 विकेट अपने नाम पर किया है। यहाँ के मैदान पर कोई भी मैचेस अभी तक फिलहाल नहीं खेले। खिलाड़ी अच्छा है, करंट परफॉर्मेंस की ठीक ठाक ही है, कभी कभी महंगे साबित हो जाते हैं, विकेट भी कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन भैया अगर दो तीन टीम अगर बनाकर आप खेलते हो तो एक टीम में आपको इस खिलाड़ी को ज़रूर रखना है। मतलब कमाल और धमाल कभी भी मचा सकता है ये खिलाड़ी, तो रिस्क पे हमारी गेम चलती है, रिस्क है तो इश्क है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों टीमों के धुरंधरों के बारे में जान लिया है कि कौन से खिलाड़ी आज के मैच में आज के मैदान पर धमाल और कमाल करके हमको फैंटेसी क्रिकेट जिता सकते हैं। आपको इंतज़ार होगा कि भैया आपकी कौन सी टीम है, अभी तक आपने बताई नहीं, आप बोले थे वीडियो को लास्ट में बताएंगे, तो दोस्तों इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से ज्वाइन कर लो। वो क्यों ज्वाइन करना कि भैया, क्योंकि वहां पर भी हम आपको दो तीन टीमें और बनाकर दे रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करने के बाद, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद हम बनाकर आपको देते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको यह भी पता चलेगा कि आज का जो मैच है कौन सी टीम अपने नाम पर कर सकती है, सिक्का किसके पाले में गिर सकता है, 5, 10, 15, 20 ओवर में कितने रन बन सकते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है हमारा टेलीग्राम चैनल भी। तो भैया फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से ज्वाइन कर लो, या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाओ, जो पहला लिंक आपको दिख रहा है वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। तो फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म करते हैं, जो मेरी टीम है वो ये होने वाली है। अगर इस टीम के साथ अगर आप खेलते हो तो जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं। तो भैया बहुत ही ज्यादा मेहनत भी हम आपके लिए कर रहे हैं, इतनी एनालाइज करने के बाद हम आपको टीम देते हैं। तो भैया एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर आप चैनल पर नए हो तो भैया एक सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, और साथ ही साथ एक लाइक भी कर देना अपने भाई के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।